हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खमा घणी। राम राम, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में चुलबुल हैप्पी ब्लॉग में। और आज इतने टाइम बाद में मैं ब्लॉग अगेन शूट कर रही हूँ एंड अब से मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे, ठीक है। एंड आज मैं आई हूँ ट्रैकिंग के लिए, और ट्रैकिंग के लिए वैसे आपको पता चल ही गया होगा ये पीसफुल सी जगह कौन सी है, तो चलते हैं अंदर और बताते हैं। चलिए, जगह की ये वाली जहाँ हम आ गए हैं, एकदम पीसफुल जगह और ट्रैकिंग के लिए सबसे बेस्ट। यहाँ आप मॉर्निंग में आएंगे तभी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। सो 200 मीटर चलते ही यहाँ पे ये आ जाता है जहाँ आप चाहे तो बैठ सकते हो और चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे है अलग अलग, मतलब ग्रीनरी है और यहाँ पे उसके बारे में, मतलब जो भी प्लांट वगैरह लगे हुए हैं तो उन सब के बारे में इन्होंने लिख रखा है, मेंशन कर रखा है, कहीं पे स्टोन का, कहीं पे मिट्टी का, कहीं पे प्लांट्स। और अब हमारा हम चलते हैं एंड बताते हैं। देखिए, इनके बारे में बताया गया है ये यहाँ पे, एंड इसके बारे में है यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स वगैरह, एंड इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है और ट्रैक बनाया गया है। तो यहाँ पे आप सबसे बेस्ट टाइम है आने का मॉर्निंग में, ये 6 बजे ओपन हो जाता है, तो आप 6 बजे आ जाइए। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ट्रैक है, देखते हैं मैं कितना कवर कर पाती हूँ, तो चलते हैं करते हैं। वैसे मैं थक चुकी हूँ इतने से में, एंड यहाँ पे कुछ बैठने का भी बीच बीच में बनाया गया है मेरे जैसे लोगों के लिए। ये देखिए बीच में ये हवा है, एंड ये देखिए यहाँ से कुछ दिख रहा है ऐसा, बहुत पीसफुल वाली जगह है। अगर आप कोई शांति सी जगह, शांति वाली जगह पे आना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं ट्रैकिंग के लिए भी, एंड ट्रैकिंग के लिए भी। और ऐसे उनके बारे में लिखा हुआ है जैसे कि राजस्थान का बलुआ पत्थर, कितना पुराना, हाँ जो भी है। तो यहाँ पे आपको स्टोन्स के बारे में एंड प्लांट्स के बारे में, इन सब के बारे में बीच बीच में मेंशन कर रखा है, एंड इन्होंने बना रखा है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है। और पूरा ये ग्रीनरी वगैरह, स्टोन वगैरह से ही बना रखा है ये इन्होंने। टिटी टिटी, देखते जाइए अभी, एंड नेक्स्ट टाइम पे आप भी ये ट्राई करिए। और हाँ, इसका टिकट तो बता दूँ मैं, इसका 50 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन, एंड टाइमिंग आपको मिल जाएगा। और इसका लोकेशन हमेशा चेंज आता है, इसका लोकेशन तो उस पर गूगल मैप पे बिल्कुल सही नहीं है। और अभी हम लोग जाएंगे, ये बीच बीच में ट्रैक होता 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 वहाँ तक तो जाएंगे, उसके आगे का पता नहीं है। मैं लास्ट टाइम आई थी यहाँ पे तब बड़ी धूप में आई थी। देखिए ये वाला स्टोन ये है, रेडियन नुमा चट्टान कुछ इस टाइप की,
तो ये सब कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ये इन्होंने यहाँ पे रख रखे हैं और इसके बारे में बताया गया है। जिसको इसके बारे में जानने का इंटरेस्ट है, मीन्स पुरानी चीज़ें, स्टोन, पत्थर और प्लांट्स के बारे में, वो यहाँ आराम से वॉक करते करते एंड इनके बारे में जान सकते हैं। उस टाइम मैं आई थी तब मैं बड़ी धूप में आई थी, इसलिए मैंने आपको पहले से सजेस्ट कर दिया, और उस मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, बस ऐसे ही आ गई थी मैं, कोई प्लान नहीं था, अनप्लान ही था पूरा, और मैं यहाँ आ गई थी। देन पता चला कि यार ये तो थोड़ा सा भी ट्रैक नहीं हो पाया है, थोड़ा सा भी नहीं घूम पाई हूँ, गए मतलब फालतू में टाइम वेस्ट हुआ है। सो आज मैं मॉर्निंग में आ गई हूँ, 6 बजे ये स्टार्ट होता है और मैं आ चुकी हूँ। ये लो हो गया काम पूरा। काम ये हुआ है कि बैटरी मतलब ये डिस्चार्ज है, टाइम दिखा रही हूँ लेकिन घड़ी डिस्चार्ज है, जब थी मैं पहन गई थी तब नहीं थी। हाँ तो कोई बात नहीं है, 6:37 हो चुके हैं अभी एंड मैं घर से 6 बजे निकली थी। यहाँ पे आ गई हूँ मैं, देखते हैं, मैं वैसे देखती हूँ कि कितना चल गई हूँ, आई थिंक 1 किलोमीटर तो चल ही लिया होगा। फिर से आ गया है रेस्ट के लिए मस्त सीटिंग एरिया, यहाँ बैठो आराम से। A few moments later. थोड़ा सा रुकने के बाद में हमारा फिर से ट्रैक स्टार्ट होता है। रुक गई थी यार मैं, सोचा तो था कि मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँगी। है जहाँ पे है फिश, तो फिश वाली जगह पे बाद में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रश हो रहा है, इसलिए बहुत सारी भीड़ है, तो बाद में जाएंगे। जब तक स्टार्ट करते हैं आगे का ट्रैक कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली पानी की बोतल जरूर लाओ, फिलहाल लास्ट में लाइक में इस बार मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा है। इधर से जाता है दूसरा वाला रास्ता और एक चारा ट्रैक इधर, और ये यहाँ से भी ऐसा दिखता है मैं जा रही हूँ उस वाले ट्रैक पे, ये है पर मैं इधर से जा रही हूँ। यहाँ पे ही लास्ट आई थी मैं, इससे जा गया, यहाँ पे बहुत रुक रुक गई थी, अब यहाँ से लोग जा रहे हैं इधर, अब मैं भी जाऊँगी तो ही फैमिली साइड भी यहाँ पे कौन सा था एंड अब ये रोड का बना हुआ यार। ये देखिए ये आ गया है, देखते हैं कितना ज़्यादा कितना लंबा जाता है ये ट्रैक। बनी शक्ल बड़ी ख़राब आ रही है धूप में। भी चले गए हैं, अब तो मन नहीं हो रहा है। ये जगह ज़्यादा थक चुके हैं, अभी तक ट्रैक ख़त्म नहीं हुआ है, और मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ तक है, वो देखो अभी तक हमारे साथ वाले वो वहाँ तक जा रहे, वहाँ चले गए हैं, वहाँ तक तो हमें दिख रहा है एंड उसके आगे का भी पता नहीं है, अभी तक तो वहाँ पे भी स्टेज वगैरह है और वहाँ पे भी स्टे करने का है, ठीक है, तो अभी तक इतना बड़ा हो रहा है तो मेरा नहीं है, हम मैं यहाँ से ही वापस जा रही हूँ। तो गाइस कैसा लगा अभी तक, तो अब मैं जाऊंगी एंड अब पूजा का टाइम आ चुका है, तो यहाँ से जाते हैं एंड कहीं जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसको अगर ये व्लॉग
अगर छोटा रहा तो मैं इसी में ही ऐड कर दूंगी वो वाला भी क्लिप, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट वो ब्लॉग में मैं करूँगी। और गाइज मैंने इतने टाइम बाद में वापस से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, सो गाइज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।